दोस्तों, आप जो करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है और पूरी दुनिया जो करती है उसका असर आप पर भी होता है। आज है 7 जनवरी 2021 और बस एक ही दिन बचा है मेरे ट्रैवल व्लॉग शुरू होने में। कल मैं जा रहा हूँ मनाली और सेल्फ ड्राइव करके जा रहा हूँ। देखो बर्फ़ कैसी मिलती है वहाँ पर, ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है, ईच एंड एवरी थिंग मैं आपके संग शेयर करूँगा और हर दिन का हाल मेरे इस कैमरे और मेरे से आपको मिलता रहेगा। तो बात कर लेते हैं यार उसके लिए प्रिपरेशंस की क्या जरूरत है। तो सबसे पहले तो भाई गाड़ी को ठीक कराना है। गाड़ी में सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम फील हो रही है वो ये है। ये क्या है सर? ये एक्चुअली होता है भाई साहब, जीपीएस सिस्टम है मेरी कार का जो कि पता नहीं कैसे निकल के गिर गया है। इसके अलावा मेरी जो बैक रियर लाइट है वो नहीं जल रही है। तो पहले नेक्सा के शोरूम जाके इसको ठीक कराते हैं और उसके बाद आज के दिन को शुरू करते हैं। तो भाई तीनों काम हो गए हैं गाड़ी के। स्पॉइलर जो ठीक कराना था वो भी ठीक हो गया है और जीपीएस की जो प्रॉब्लम आ रही थी मेरी वो जीपीएस भी उन्होंने एडजस्ट कर दिया और बैक लाइट का भी पंगा सॉल्व है। तो गाड़ी भाई साहब रेडी है जर्नी के लिए। अब मुझे थोड़ा सा सामान और परचेज करना, उस तरफ चलते हैं। तो भाई साहब डी कैथलोन आया हूँ मैं थोड़ा बहुत शॉपिंग यहाँ से भी कर लें, बहुत ज़रूरी है। तो गाड़ी पहले पार्किंग में लगा लेते हैं उसके बाद डीकैथलॉन चलते हैं। तो चलिए गाड़ी को पहले पार्किंग में लगा लेते हैं और मेरा मकसद डीकैथलॉन आने का बेसिकली यही है कि सर मैं थोड़ी सी स्नो वाली सॉक्स ले लूं और अगर हो सके तो रोप अगर मिलती है तो मैं रोप ले लूं, क्योंकि इस वक्त स्नो चैन तो मिलेंगे नहीं और आई होप कि मैं आगे स्नो चैन की इतनी ज़रूरत पड़े भी ना, बट फिर भी एक नायलॉन की रस्सी ले चलते हैं। दो तीन जगह मैंने पता करके देखा भी है सियाज की स्नो चैन नहीं अवेलेबल है, तो नायलॉन रस्सी से हम काम चलाएंगे। तो नायलॉन रस्सी देख लेते हैं अगर डीकैथलॉन में मिल जाए हमें। तो दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, लुधियाने का डीकैथलॉन यार किसी काम का नहीं है। पहले तो उन्होंने मुझे कैमरा यूज नहीं करने दिया, मत करने दो यार। उसके बाद क्या इशू आया, उसके बाद इशू ये आ रहा है कि भाई साहब कोई सामान ही अवेलेबल नहीं है। अगर मैं शनाया के लिए ग्लव्स लेने गया हूँ तो क्या हो रहा है वहाँ पे ग्लव्स के नाम पे मिक्स से ग्लव्स पड़े हैं जो सेलेबल कंडीशन में भी नहीं है। उसके बाद मैं सॉक्स ढूंढ रहा हूँ तो सॉक्स नहीं है। तो ओवरऑल यार एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा डीकैथलॉन का और कुछ नहीं मिला। चलो अब कुछ और देखते हैं, कहीं और से ही देखते हैं। सॉक्स तो ज़रूरी है भाई, सॉक्स के बिना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वगैरह भी लेके जाऊंगा पर अब उसको ड्रॉप कर दिया क्योंकि टाइम भी नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो वहीं पे देख लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे यार। सो आज के व्लॉग को मैं बस यहीं ख़त्म करता हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठ के मनाली की तरफ निकलना है। तो दोस्तों मैं मिलूँगा अब आपको अगले व्लॉग में यानी कि कल, तब तक के लिए बाय, शबा खैर।